गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत दिन परे मुझे तुम्हारा आज क्लास नौ आम एक नुआ टॉपिक आरंभ करूँ प्रीवियस क्लास रे। द्वितीय यूनिट जो सरी आम त्रिपद युक्ति परे आम एक टॉपिक आरंभ करूँ आ गोटे चैप्टर आरंभ करूँ ता हूँ मिश्र त्रिपदी युक्ति। तबे मु प्रीवियस क्लास रे कहिथिली ए यूनिट बहुत छोटो यूनिट एथिरे मात्र दुईटी लॉन्ग क्वेश्चन रहुची। आमे आलोचना करिछु गोटे क्वेश्चन जस्ट आलोचना करिछु किंतु एते डिटेल्स मु कहि नाही। आज ता विषय रे मु डिटेल्स कहिबे। प्रथमे जानिबा एई टॉपिक रे आमे कोन कोन पढ़िबा। चैप्टरटा नाम होउछि मिश्र त्रिपदी युक्ति। आमे जानिछु इंट्रोडक्शन मिश्र त्रिपदी युक्ति कहा को कहा जाए। मिश्र त्रिपदी युक्ति को चारि भाग रे व्यक्त करा जाए। मिश्र प्राकल्पिक युक्ति फर्स्ट, मिश्र वैकल्पिक युक्ति, मिश्र बीजुजक, लास्ट हो द्विशृंगक। आम प्रीवियस क्लास रे ए विषय आम कही जे मिश्र त्रिपदी केते भाग रे व्यक्त। फर्स्ट मिश्र त्रिपदी कहा को कहा जाए एवं यह केते भाग रे व्यक्त यह गोटे क्वेश्चन। मिश्र त्रिपदी कहा को कहा जाए यह केते भाग रे व्यक्त। मिश्र त्रिपदी कहा को कहा जाए प्रीवियस क्लास रे कही जे जो त्रिपदी रे तर्कवाक्य गुड़िक एक प्रकार न हुई बर एकाधिक प्रकार आम मिश्र त्रिपदी कहू। अर्थात मिश्र त्रिपदी चारि प्रकार तर्कवाक्य व्यवहार करा जाए। तेणु मिश्र त्रिपदी को चारि भाग में विभक्त करा जाए। एक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति, मिश्र वैकल्पिक युक्ति, मिश्र बीजुजक युक्ति, द्विशृंगक युक्ति। आमर आज टॉपिक है ए मिश्र त्रिपदी को जो चारि भाग में विभक्त करा जाए। आम आज प्रथम जानिबा मिश्र प्राकल्पिक विषय में मन रखिथिबो समस्त क्वेश्चन टाया मिश्र त्रिपदी कहा को कहा जाए यह केते भाग रे विभक्त गोटे लॉन्ग क्वेश्चन एटा। तेणु आम कहा को कहा जाए लिखिलु चारि भाग रे विभक्त लिखिलु से फर्स्ट मिश्र प्राकल्पिक विषय में पढ़ेबि। आज तापर जा मिश्र वैकल्पिक देन बीजुजक देन द्विशृंगक। मिश्र प्राकल्पिक त्रिपदी युक्ति बा मिश्र प्राकल्पिक युक्ति भी कही पारिबा। यार अन्य नाम मध्य कहा जाउछि प्राकल्पिक निरपेक्ष त्रिपदी युक्ति। प्राकल्पिक निरपेक्ष युक्ति मिश्र प्राकल्पिक बदल रे आमे प्राकल्पिक निरपेक्ष मध्य कही पारिबा। तेबे एही युक्ति कहा को कहा जाए ए युक्ति कहा को कहा जाए जानिया पूर्वरु आमे जानिबा याकु जानिया पई हेले यार दुईटी नियम रहिछ। मिश्र प्राकल्पिक युक्ति को जानिया पई दुईटी नियम रहिछ। प्रीवियस क्लास रे जस्ट टिके आलोचना करिछि मु या आज जस्ट मन पकि दउछि ए दुईटी नियम। प्रथमे शिकरणे शिकरण अन्य नियमटी होची असिकरणे असिकरण दुईटी नियम को अप्लाई करी आमे मिश्र प्राकल्पिक युक्ति विषय रे जानु। दुईटी नियम थिबारु मिश्र प्राकल्पिक युक्ति को दुई भाग रे व्यक्त करा जाए। जो नियमटी शिकरण शिकरण नियम को माने जो युक्ति
ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଭାବାତ୍ମକ। ଭାବାତ୍ମକ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଭାବାତ୍ମକ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି। ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ, ଗୋଟିଏ ଭାବାତ୍ମକ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଅଭାବାତ୍ମକ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି। କାହିଁକି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଏ? ନା, ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତିରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱୀକରଣ ସ୍ୱୀକରଣ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅସ୍ୱୀକରଣେ ଅସ୍ୱୀକରଣ। ଏହି ଦୁଇଟି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୂଳକୁ ଯିବି, ଜଷ୍ଟ ଏହାର ଓଭରାଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ଏବେ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତିର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କେତେ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପଢ଼ିବା। ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା, ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବୟବ ଏକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ସାଧ୍ୟାବବ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, କମା ପକ୍ଷାବୟବ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତାହାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ବା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ, ବା ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପପୁଲାର ନାମଟା ହେଉଛି ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି, ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ କହିଲେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି। ଏହା ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ରଫ୍ରେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନୋଟି ତର୍କବାକ୍ୟ, ସାଧ୍ୟାବୟବ ପକ୍ଷାବୟବ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଇଥିରେ ସାଧ୍ୟାବବ ହେବ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ସାଧ୍ୟାବବଟି ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ପକ୍ଷାବବଟି ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ବା ଯୁକ୍ତି ହେଇଗଲା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି, ବାକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବି ନିରପେକ୍ଷ। ତମେ ରଫ୍ରେ ଏମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ, ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବବ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ପକ୍ଷାବବ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଡେଫିନେସନ୍ ଆକାରରେ ଲେଖିଦେଲି ଯେ ଯେଉଁ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିରେ ସାଧ୍ୟାବବ ଏକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ପକ୍ଷାବବ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ମାଟି ଓଦା ହୁଏ। ସାଧ୍ୟାବବ ନେଲି ମୁଁ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଇୟର୍ରୁ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ନା ପୂର୍ବଗରେ ଯଦି ଥିବ ଅନୁଗରେ ତେବେ ଥିବ। ଯଦି ତେବେ ଲାଗି ଯେଉଁ ତର୍କବାକ୍ୟଟି ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତର୍କବାକ୍ୟ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ କହୁ। ତେଣୁ ସାଧ୍ୟାବବ ଏକ ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ତର୍କବାକ୍ୟ, ପକ୍ଷାବବ ନିରପେକ୍ଷ ହେବ, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ମାଟି ଉଦା ହୁଏ। ନିରପେକ୍ଷ ଲେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଗୋଟେ ନେଲୁ ଆମେ, ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଅତେ
ମାଟି ଓଦା ହୋଇଛି। ଆମର କଣ୍ଡିସନ କୁହାଗଲା ଯେ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ମାଟି ଓଦା ହୁଏ। ପକ୍ଷା ଭାବରେ କହିଲି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଦେନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ହେବ? ଅତେ ମାଟି ଓଦା ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତାର ଟାଇପ୍ ଯିବା, ଶ୍ରେଣୀକରଣ। ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆଗ ନିୟମ ଲେଖିବା। ମିଶ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଯୁକ୍ତିର ନିୟମ, ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଥାଏ। ଦୁଇଟି ନିୟମ ରହିଛି, ଯଥା ଦେଖ, ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ପୁରା କହିଦେଉଛି, ଯେମିତି ତୁମେ ନୋଟ୍ସ ବନେଇବ, ପୁରା ନୋଟ୍ ଯେମିତି ବନେଇବ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ କହୁଛି। ଏହି ଯୁକ୍ତିରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ରହିଛି, ଯଥା ଏକ, ସିକରଣେ ସିକରଣ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିବି, ସିକରଣେ ସିକରଣର ଅର୍ଥ କ'ଣ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇଦେବି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅସିକରଣେ ଅସିକରଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ନିୟମ। ଏବେ ଯିବା ଏହାର ଅର୍ଥ। ସିକରଣ ସିକରଣ ନିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେଖ, ଯୁକ୍ତିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା, ସାଧ୍ୟା ଭାବରେ ପୂର୍ବକ ଥାଏ ଆଉ ଅନୁଗ ଥାଏ, ମାନେ ଯଦି ଲଗିକି ଗୋଟେ ତେବେ ଲଗିକି ଗୋଟେ, ତେବେ ପାଠକୁ ଆମେ ଅନୁଗ କହୁ, ଯଦି ପାଠକୁ ଆମେ ପୂର୍ବକ କହୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପକ୍ଷା ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିରପେକ୍ଷ ତର୍କ ବାକି ହେଉଥିଲା, ଏହା କେମିତି ହେଉଥିଲା? ଏହି ସିକରଣ ସିକରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିକରଣ ସିକରଣ ନିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିକରଣେ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ। ସ୍ୱୀକରଣର ଅର୍ଥ ସ୍ୱୀକାରଣ କରାଗଲେ ସ୍ୱୀକରଣ ସ୍ୱୀକାର କରାହେବ, କରାଗଲେ କରାହେବ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲେ ସେଇଟା ହେବ, ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇଟା ହେବ। ସ୍ୱୀକରଣେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ, ଏମିତି କହିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେ ବା ପୂର୍ବକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେ, ହଁ, ଅନୁଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେ ଶେଷରେ ଅନୁଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା। ଏହି ନିୟମଟି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ପାରିବି। ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ମାଟି ଓଦା ହେବ, ସିକରଣ ସିକରଣ ନିୟମର ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ମାଟି ଓଦା ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧ୍ୟା ଭାବ ରହିଲା, ସାଧ୍ୟା ଭାବରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ରହୁଛି, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବକ, ଅନ୍ୟଟି ଅନୁଗ। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପକ୍ଷା ଭାବରେ କ'ଣ ନେବା? ସିକରଣ ସିକରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ପୂର୍ବକକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ସିକରଣ ସିକରଣ ନିୟମର ଅର୍ଥ ପୂର୍ବକକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଗଲେ ଅନୁଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବକ, ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ହେବା ପାଠଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବକ, ତେଣୁ ଆମେ ପକ୍ଷା ଭାବରେ ପୂର୍ବକ ନେଲୁ, ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ଶେଷରେ ଅନୁଗ ନେବୁ, ମାଟି ଓଦା ହୋଇଛି,
समस्ते बुझिपार जदि वर्षा हुए तेब माटी उदा हेब प्रथम पूर्वग को नवा वर्षा होते माटी उदा हो जो उदाहरणटी देली यह हूँ सिकरण सिकरण नियम अर्थात सिकरण सिकरण नियम हूँ सब स्वीकार करा प्रथम पूर्वग को स्वीकार करा सिद्धांत अनुग को स्वीकार करा तेणु तुम्हें एमती लिख प्राकल्पिक जुक्ति नियम यही जुक्ति दुईट नियम रही जथा सिकरण सिकरण दुई असिकरण असिकरण तार अर्थ एमती बंधनी मध्य लिखिदेव पूर्वग को स्वीकार करागले अनुग को स्वीकार करा जाए तार उदाहरण दबा आवश्यक ना आम जत टाइप लिखा श्रेणीकरण लिखा से डायरेक्ट आम उदाहरण दे पारा एवं नियम को बुझाइबापी आम उदाहरण दबार आवश्यकता ना देन नेक्स्ट द्वितीय नियम कहूँ अस्वीकरणे अस्वीकरण अर्थात प्रथम अस्वीकार हम देन शेष अस्वीकार कर सेरा थिला कौन प्रथम स्वीकार गोटे करागले शेष अन्यटी को स्वीकार कर प्रथम पूर्वग को स्वीकार करागले शेष अनुग को स्वीकार करण अस्वीकरण नियम अर्थ पूर्वग को तो स्वीकार करागला यार अर्थ हो अनुग को अस्वीकार करागले प्रथमे अनुग को अस्वीकार करागले परे पूर्वग को अस्वीकार करा जाए नियम दुईटी अर्थ समस्ते ध्यान से देख स्वीकरणे स्वीकरण अर्थ हूँ स्वीकरणे पूर्वग को स्वीकार करागले स्वीकरण अनुग को स्वीकार करा जाए अर्थात स्वीकार क्षेत्र में प्रथम पूर्वग को स्वीकार करा जाए तापर अनुग को स्वीकार करा जाए बुझी हूँ गोटे जुक्ति जो थाए साध्याभव पक्षाभव और सिद्धांत साध्याभव आम दुईट विकल्प रखू से दुई रु पूर्वग गोटे अनुग गोटे प्रथम पक्षाभव पूर्वग को स्वीकार करा जाए एवं शेष सिद्धांत अनुग को स्वीकार करा जाए यह सिकरण सिकरण नियम देन अस्वीकरणे अस्वीकरण यही नियम कहे खाली अस्वीकार करवा ये स्वीकार नुहे अस्वीकार करा जीवो अर्थात प्रथम अनुग को अस्वीकार करा जीवो तापरे पूर्वग को अस्वीकार करा जीवो यहाँ बुझेबापी मु उदाहरण देउछि सेम उदाहरण माध्यम बुझाई पार जदि वर्षा हुए तबे माटी उदा हेबो साध्य भव गले अस्वीकरण अस्वीकरण नियम एप्लाय करिबा अर्थात प्रथमे अनुग को अस्वीकार करिबा एठारे अनुग किए माटी उदा माटी उदा अस्वीकार करिबा अर्थात हुई नाही करिबा माटी उदा हुई नाही आमे पक्षाभव अनुग को अस्वीकार कलु माटी उदा हुई नाही नाही अर्थ अस्वीकार अते वर्षा हुई नाही पूर्वग को अस्वीकार लक्ष्य कर मु द्वितीय नियम बुझाऊँ अस्वीकरण अस्वीकरण यही नियमर अर्थ अनुग को अस्वीकार करागले सिद्धांत पूर्वग को अस्वीकार करा जाए अर्थात प्रथम अनुग को आम अस्वीकार करवा तापर पूर्वग को अस्वीकार करवा जदि वर्षा हुए तेबे माटी उदा हेबो यही जो जुक्ति
जदि वर्षा हुए तबे माटी उदा हेबो साध्या भव। प्रथमे अनुग को अस्वीकार करिबा, माटी उदा होइनी, माटी उदा होइनाही। एबे सिद्धांत आमे मूर्खामी रे कहि परिया, माटी उदा होइनी ता अर्थ वर्षा भी होइनाही, अते वर्षा होइनाही। तेणु शिकरण शिकरण नियम भी वैध, ता होछि स्वीकार क्षेत्र रे। अस्वीकरण अस्वीकरण नियम वैध, अस्वीकार क्षेत्र रे। तेणु दुईट जाक नियम वैध, खाली नियम दुईट अलग। एबे जीवा श्रेणीकरण। लक्ष्य करथो मु स्टेप वाइज कहूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आउ थरे रिपीट करूँ। मिश्र त्रिपदयुक्ति क्या कहा जाए, यह केते भागरे विभक्त? आमे क्या कह जाए लिखिलु? चारि भागरे विभक्त को लिखा जाए, चारि भागरे विभक्त करा जाए बोली लिखिबु। देन फर्स्ट मिश्र प्राकल्पिक युक्ति, मिश्र प्राकल्पिक युक्ति क्या कह जाए, देन उदाहरण दबा। तापर यह युक्तिर नियम, नियम दुईट नाम लिखा एवं तार अर्थ। तापर लिखा मिश्र प्राकृतिक युक्तिर श्रेणीकरण। श्रेणीकरण दुई भागरे व्यक्त करा जाय छी। मिश्र प्राकृतिक युक्ति दुई भागरे व्यक्त, एक भावात्मक मिश्र, प्राकल्पिक युक्ति दुई अभावात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति। ए दुईट नियम बहुत सहज, ए सॉरी ए दुईट श्रेणीकरण। कौन भावात्मक प्रथम लिखा आम जो मिश्र प्राकल्पिक युक्ति प्रथम नियम अर्थात शिकरण शिकरण नियम को अनुसरण करे ताहाकु भावात्मक मिश्र प्राकृतिक युक्ति कहा जाए। जो मिश्र प्राकृतिक युक्ति शिकरण शिकर शिकरणे शिकरण नियम को अनुसरण करे बा शिकरणे शिकरण नियम उपरे पर्यवेक्षित ताहाकु भावात्मक मिश्र प्राकृतिक युक्ति कहा जाए। यह नियम अनुजाई साध्य भवरे थिबा दुईट विकल्पर पक्षावयवर प्रथमे पूर्वक को स्वीकार करागले सिद्धांत अनुग को स्वीकार करा जाए। उदाहरण स्वरूप से क्षेत्र में आम उदाहरण दबा। प्रथम भावात्मक मिश्र प्राकृतिक युक्ति उदाहरण दबा। जस्ट टिके पूर्वर मु उदाहरण दे थी, एबे आउ गोटे उदाहरण दबा। जदि सूर्य थाए तेबे आलोक थाए, तेबे आलोक थाए। भावात्मक मिश्र प्राकृतिक युक्ति जहाँ को कहा जाउची कौन शीकरणे शीकरण उपर पर्यवेक्षित। यही युक्तिटी प्रथम नियम उपर पर्यवेक्षित, तेणु प्रथम नियम आम जहाँ बुझेलु पूरा से ही लिखिब जे पूर्वग को प्रथमे स्वीकार करा जाए तापर अनुग को स्वीकार करा जाए। उदाहरण दबा, जदि सूर्य थाए तेबे आलोक थाए, सूर्य अच्छी स्वीकार करागला, सूर्य अच्छी अते अनुग को स्वीकार करिबा, अते लिखिबा जे आलोक अच्छी। एहा भावात्मक मिश्र प्राकृतिक युक्तिर उदाहरण हो गला बा शिकरण शिकरण नियम उदाहरण हैला। देन नेक्स्ट जीवा अभावात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति। अभावात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति द्वितीय नियम उपरे पर्यवेक्षित। द्वितीय नियम अनुजाई प्रथमे अनुग को पक्षावयव अस्वीकार करा जाए एवं सिद्धांत पूर्वग को अस्वीकार करा जाए। जथा उदाहरण दबा,
प्रथमे अनुग को अस्वीकार करा जीव अर्थात आलोक नाही जदि सूर्य थाए तेबे आलोक थाए एही जो दुईटी विकल्प मध्यरु अनुग किए आलोक थाए होचो अनुग अनुग को आमे अस्वीकार करिया नियम दुई अनुजाई नियम दुई कहे जे अनुग को आमे अस्वीकार करिया अर्थात आलोक नाही अतएव आलोक नाही माने सूर्य भी नाही अतएव सूर्य नाही जदि सूर्य थाए तेबे आलोक थाए आलोक नाही अतएव सूर्य नाही यह अभावात्मक मिश्र प्राकल्पिक जुक्तिर उदाहरण बा अस्वीकरणे अस्वीकरणर उदाहरण होगला। ए जगह में आरो एग्जांपल टी भी दे परिबा जदि वर्षा हेबो तबे माटी उदा हेबो माटी उदा हुई नाही अते वर्षा हुई नाही तेणु दुईटी उदाहरण मु देली आमे जोंटी जोंटा यूज करि परिबा सरी गला मिश्र प्राकल्पिक मन रखिबो मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति रे दुईटी नियम से दुईटी नियम ऊपर ही पर्यवेक्षित एक स्वीकरण स्वीकरण दुई अस्वीकरण अस्वीकरण स्वीकरण स्वीकरण रे आम कौन कलु प्रथमे पूर्वग को स्वीकार कलु तापर सिद्धांत रे अनुग को स्वीकार कलु अस्वीकरण अस्वीकरण नियम रे आम कौन कलु प्रथमे अनुग को अस्वीकार कलु तापरे पूर्वग को अस्वीकार कलु एई जो क्वेश्चन आमे आलोचना करूछु ए क्वेश्चन आहुरी दुईटी रहिछि तीनोटी रहिछि मिश्र वैकल्पिक मिश्र बीजजक द्विसंगक एई तीनटा आमे नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। आज ए मिश्र प्राकल्पिक जुक्तिर जो दुईटा भाग मु कहली स्वीकरण स्वीकरण अस्वीकरण अस्वीकरण मु दुई तीनटा एग्जांपल माध्यम रे पुनी बुझाउछि जहाँ फल तुम मैंने क्लीयर हो स्वीकरण स्वीकरण नियमर आउ उदाहरण दबा जोटा को आम कहू कौन स्वीकरण स्वीकरण नियम उपर पर्यवेक्षित भावात्मक मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति वर्षा हुए माटी उदा हुए उदाहरण देली सूर्य थाए आलोक थाए देले जदि सार आसीबे तेबे क्लास हेबो जदि सार आसीबे तेबे क्लास हेबो स्वीकरण स्वीकरण नियम आम अप्लाई करिया कौन नियम प्रथमे पूर्वग को ग्रहण करा जीव पूर्वग हेउची जदि सार आसीबे अनुग हेउची तेबे क्लास हेबो तेबे पूर्वग को आम प्रथमे ग्रहण करिया स्वीकार करिया सार आसीचंती सार ग्रहण करा दैछि त माने आसीचंती सार आसीचंती अते अनुग को ग्रहण करिया क्लास होउछि अते क्लास होउछि बुझिगला स्वीकरण स्वीकरण नियम जदि सार आसीबे तेबे क्लास हेबो सार आसीचंती अतएव क्लास होउछि एहा होउछि स्वीकरण स्वीकरण बा भावात्मक मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति। आउ एक उदाहरण नबा जदि मु भल पढ़ी जदि मु भल पढ़े तेबे पास करिबे
जदि मु भल पढ़ी तबे पास करी नियम दृष्टि प्रथमे पूर्वग को स्वीकार करिबा मु भल पढ़ुछी अतः पास करी पास करी जदि मु भल पढ़े तबे पास करी मु भल पढ़ुछी अतः मु पास करी करी स्वीकरण स्वीकरण नियम हो गला पूर्वग को स्वीकार करागला पूर्वग स्वीकार तापरे अनुग स्वीकार स्वीकरण स्वीकरण नियम आम बुझीदेलु। नेक्स्ट जीवा अस्वीकरण अस्वीकरण नियम अभावात्मक मिश्र प्राकल्पिक युक्ति बा अस्वीकरणे अस्वीकरण नियम उपरे पर्यवेक्षित एही युक्तिर नियमटी कौन प्रथमे पक्षावयवरे अनुग अस्वीकार हेले सिद्धांतरे किए अस्वीकार हेबो पूर्वग अस्वीकार हेबो ए युक्तिर नियम एटा तेबे प्रथमे आमे उदाहरण देबा जदि मु भल पढ़ी तबे पास करी सेम एग्जांपल एथि पई दउची आमको बुझिबारे सहज हो दुईटी डिफरेंस आम जानी पारे गोटे एग्जांपल ले जदि मु भल पढ़ी तबे परीक्षा रे पास करी बा पास करी नियम दृष्टि ये होची पूर्वग ये होची अनुग नियम दृष्टि अनुग को आम अस्वीकार करवा द्वितीय नियम अस्वीकरण अस्वीकरण अस्वीकार क्या करा जाए अनुग को नियम दृष्टि प्रथम अनुग को अस्वीकार करी अर्थात मु पास होना अस्वीकार कले पास करी पास करना करी ही स्वीकार हो गला पास करना कहले अस्वीकार अते मु भल पढ़े ना पूर्वक को अस्वीकार करागला तेणु नियम दुई अस्वीकरण अस्वीकरण नियम कहे प्रथमे अनुग को अस्वीकार करा जीवो अनुग को अस्वीकार करा जीवो तापरे पूर्वग को अस्वीकार करा जीवो मन रखिबो स्वीकार क्षेत्र रे फास्ट पूर्वग रहे शेषरे अनुग रहे स्वीकार स्वीकार अस्वीकार क्षेत्र रे फास्ट अनुग तापरे पूर्वग मन रहे अस्वीकार और स्वीकार क्षेत्र में आम खाली स्वीकार करवा अस्वीकार क्षेत्र में ना ही लगे अर्थात अस्वीकार करवा आउ एक उदाहरण नवा
जदि सार आसिबे तबे क्लास हेबो जदि सार आसिबे तबे क्लास हेबो नियम दृष्टि आमे अनुग को अस्वीकार करिबा अनुग कोन सार आसी नहांती सॉरी अनुग होची क्लास होइनी क्लास हेबा पार्टा होची अनुग जदि सार आसिबे पूर्वग तेणु आम अनुग को अस्वीकार करिबा अर्थात क्लास होई नहीं अनुग को अस्वीकार कलु अनुग अस्वीकार बुझी हेउची जदि सार आसिबे तेबे क्लास हेबो क्लास होई नहीं अर्थात आम अनुग को अस्वीकार कलु काहेकि ना अस्वीकरण अस्वीकरण नियम कहे प्रथमे अनुग को अस्वीकार करिबा एवं परे पूर्वग को अस्वीकार करिबा एटा समते जानिबा दरकार खाली लॉजिक पाई नुहे इंग्लीश रे भी तमे मध्य एसब ग्रामर इंग्लीश ग्रामर केतेबेले एंटीसीडेंट को आमे एक्सेप्ट करिबु केतेबेले कंसिक्वेंट को आमे डिनाय करिबु आमे पढ़ुचु इंग्लीश रे मध्य जेमिति आमे तर्कवाक्य पढ़ुचु सेमिति इंग्लीश सेंटेंस मध्य कर लिखुचु गोटे सेंटेंस रे सब्जेक्ट रहे वर्ब रहे प्रेडिकेट रहे सेमिति आमे तर्कवाक्य रे कहुचु सब्जेक्ट रहे प्रेडिकेट रहे वर्ब मध्य रहे अर्थात उद्देश्य रहे विधेय रहे संयोजक रहे तेणु समस्ते लॉजिक भलसे बुझ जदि सार आसिबे तेबे क्लास हेबो क्लास हुई नहीं आमे अनुग को अस्वीकार कलु तेबे पूर्वग को अस्वीकार करिबा सिद्धांत रे सार आसी नहांती सार को त हम आसी नहीं कहि पारि बार नहीं आसी नहांती क्लास होई नहीं अत सार आसी नहांती जदि सार आसिबे तेबे क्लास हेबो क्लास होई नहीं अत सार आसी नहांती क्लियर हो गल आज मिश्र प्राकल्पिक जुक्ति नेक्स्ट क्लास रे आमे पढ़िया मिश्र वैकल्पिक जुक्ति मिश्र विजोजक जुक्ति द्विशृंगक जुक्ति यही यूनिट रे दुईटी क्वेश्चन मु लिखि दउछि क्वेश्चन अनुसार आमे आलोचना करिया सुविधा हबो क्वेश्चन वन मिश्र त्रिपदी जुक्ति कहाको कहा जाए या केते भागरे विभक्त यार एक नंबर क्वेश्चन यार आंसर हो जी केते भागरे विभक्त रे फर्स्ट मिश्र प्राकल्पिक मिश्र वैकल्पिक मिश्र विजुजक यू तर्कवाक्य आम आगु चिन्हु प्राकल्पिक तर्कवाक्य जाचु वैकल्पिक जाचु विजुजक जाचु लास्ट गोटे नुआ नाम द्विशृंगक यार आंसर एति आम आज पढ़िलु मिश्र प्राकल्पिक विषय डाउट क्लियर हो जाए नेक्स्ट काली आम पढ़ा नेक्स्ट क्लास रे वैकल्पिक विजुजक द्विशृंगक सेकेंड क्वेश्चन हो जो शेष द्विशृंगक जुक्ति यह गोटे लंग क्वेश्चन द्विशृंगक जुक्ति क्या कहा जाए केते भागरे व्यक्त द्विशृंगक जुक्ति जितेबेले आम फर्स्ट क्वेश्चन टाइप रे पढ़ा से जस्ट खाली क्या कहा जाए लिखा जस्ट गोटे पाराग्राफ क्या कहा जाए लिखे कितु तार स्वतंत्र जो क्वेश्चन आसो
दिशुक जुक्ति क्या कहा जाए यह कत भाग व्यक्त ये आम एक्सप्लेन भलसे करवा भलसे आम एक्सप्लेन कर लिखा तेरे समुदाय ये क्वेश्चन थैंक यू आज पाई नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा मिश्र वैकल्पिक मिश्र विजुजक दिशुक थैंक यू।